आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार और पार्टी में संतुलन कायम करना है, क्योंकि पार्टी के कुछ फ्रिंज एलिमेंट के चलते सरकार की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा देते हैं, लेकिन वो नारे हिंदू मुस्लिम टकराव से टकराने लगते हैं। हाल फिलहाल में घटी ऐसी घटनाएं पीएम मोदी के लक्ष्य में बाधक बनती हैं, और वो लक्ष्य हिंदुस्तान का वो विकास है जिसमें हमारी जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना प्रधानमंत्री मोदी का सपना है। इन सब के एक बड़ी चुनौती सिर पर बैठे चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं, जिनका नापाक गठजोड़ भी एक बड़ी मुसीबत है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कुछ पड़ोसी देश ऐसे होते हैं कि हमेशा सिरदर्द बने रहते हैं। भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में पाकिस्तान का कैसे हाथ है और चीन कैसे उसे उकसा रहा है, यह मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले अगले शुक्रवार की बात कर लेते हैं। पिछले जुमे की हिंसा से देश उबर ही रहा है कि भड़काने वाले नेताओं, मौलानाओं और धर्म गुरुओं के बयान अगले जुमे को हिंसक बनाने के लिए आमदा दिखते हैं। तो इसे समझने के लिए आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन एक शुक्रवार बीता नहीं कि अगले जुमे के लिए खतरनाक इरादों की साजिश रची जाने लगी है। क्या अगला शुक्रवार भी खतरनाक है? सबकी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि अगले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हाथ उठे वो दुआओं के लिए उठे। शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब पे इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। देश में अगर एक नुपुर शर्मा है तो 1000 ऐसे लोग भी हैं जो खुद को कहते तो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लेकिन काम नफरत फैलाने वाला है, और उसी में से एक है मौलाना जर्जिस अंसारी। गुस्सा आना चाहिए। मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक भाषण में जो जहर उगला है वो हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते सुनवा भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें हिंदू देवी देवताओं का सरासर अपमान है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस जैसे मौलाना और इस यूट्यूब चैनल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। 30 से 35 करोड़ मुसलमान। कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है, लेकिन नफरत इससे ज्यादा तेजी से बढ़ती है, और इस काम में कुछ मौलाना तो जैसे माहिर हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो, या पकड़ के जेल में डाल सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं। पहले भीड़ बुलाओ, फिर उकसाओ और आखिर में पत्थर चलवाओ। ये धर्म का रास्ता नहीं हो सकता, लेकिन कुछ को यही राह रास आ रही है। पहले तौकीर रजा थे जो घूम घूम कर शुक्रवार शुक्रवार चला रहे हैं, 17 जून को बरेली में भीड़ बुला रहे हैं, कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा गोली ही तो मार दी जाएगी। तो इस लिस्ट में जर्जिस अंसारी का नाम भी जुड़ गया। ये दोनों क्या करके मानेंगे मालूम नहीं। 17 जून को पूरे प्रदेश में अलर्ट है, और पूरे हमारे जोन की पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। बगैर अनुमति, प्रशासन की अनुमति के किसी भी धरना प्रदर्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कुछ कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी होगा और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तो प्रयागराज में भी तैनात थी, लेकिन पत्थरबाजों ने क्या किया वो देश ने देखा। इसलिए इतना तो कहा जा सकता है कि 17 जून के शुक्रवार का सस्पेंस गहराता जा रहा है, क्योंकि लड़ाई में अब बजरंग दल भी उतर आया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ हर शुक्रवार को हो रहे प्रदर्शन और पत्थरबाजी के विरोध में बजरंग दल ने देश के हर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को ही प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। उन सब मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, ड्रोन से उनकी निगरानी होनी चाहिए, और जिन मस्जिदों से भी पत्थर हाथ में लेकर निकला
उन मस्जिदों के मुल्ला मौलवी को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल के अंदर घेरा जाए। अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। देश के मौजूदा माहौल में कई दल और धर्मगुरु अपना एजेंडा लेकर बाजार में खड़े हैं, कुछ असली हैं तो कुछ नकली, और जनता जब तक इनमें भेद नहीं कर सकेगी तब तक देश ऐसे ही जलता रहेगा। ABP News आपको रखे आगे।